कुंडा कहाँ चले? चलो ध्यान दो इधर। कोंडागांव जिला कब बना है भाई? 2000। ठीक, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये आपका कांकेर है, नारायणपुर कोंडागांव, ये दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर और सुकमा। तो सुकमा और बस्तर हो गया ना। ठीक, इधर आपका मानपुर आ जाएगा ऊपर, पूरा ही बना लेते हैं तो ठीक रहेगा। मैप बनाना आ गया ना पूरा? ठीक है, तो कोंडागांव जिला दिख रहा है ऊपर, किससे लगा है? ठीक, इधर कांकेर से, नीचे इधर और इधर आपका, तो कितने जिले हो गए? 5 जिलों से लगा है। ठीक है, तहसील कितना है? तो 5 तहसील है यहाँ। कितना तहसील है? कोंडागांव जिला कब बना? तो किससे अलग हुआ है? तो बस्तर संभाग में जितने भी जिले आएंगे सारे जिलों में सिर्फ 2 जिलों को छोड़ना है, बीजापुर और सुकमा। बीजापुर और ये दोनों जिलों का मातृ जिला आपका दंतेवाड़ा, बाकी सारा बस्तर। कांकेर का मातृ जिला बस्तर, कोंडागांव का, नारायणपुर का और दंतेवाड़ा का बस्तर। बस्तर का तो खुद ही बस्तर। ठीक है, ये आपका बीजापुर और सुकमा का, लेकिन क्या है? दंतेवाड़ा आपको याद रखना। तो मातृ जिला क्या आ जाएगा? तहसील कितना? 5। ठीक है, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। बस्तर हो गया ना आप लोग का? ये आपका कांकेर डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, इधर आपका नारायणपुर हो गया, ये आपका हो जाएगा कोंडागांव। ठीक, इधर आपका कौन सा हो गया? नारायणपुर। नीचे करेंगे तो ये दंतेवाड़ा हो जाएगा, इधर बस्तर हो जाएगा, इधर और आपका बीजापुर, इधर हो जाएगा आपका धमतरी, ये हो जाएगा बालोद। ठीक है, ये वाला तो रायपुर से, अभनपुर से, कुरुत से, धमतरी से, पुरूर से कांकेर से, कोंडागांव से, जगदलपुर से, सुकमा से, कोंटा, एनएच कौन सा? 30 याद रखना है। एनएच 30 याद आ रहा? तो यहाँ से अपन आ जाएंगे पुरूर, धमतरी से कहाँ जाएंगे? पुरूर से कहाँ जाएंगे? कांकेर से आ जाएंगे कहाँ? कोंडागांव आ जाना है। ठीक है, कोंडागांव से, जगदलपुर से, सुकमा से, एनएच, लेंथ क्लियर। इधर आपका नारायणपुर, कोंडागांव से नारायणपुर एनएच 130 याद आ रहा? तो कोंडागांव से 2 नेशनल हाईवे जाएगा, एक कौन सा? NH30 और NH130 डी आपको याद रखना है। याद आ रहा? याद रखना है। yes,
यहाँ बस्तर तक आ गए थे क्या? बस्तर तक आ गए थे ना जी, ठीक है। बस्तर से सीधे आना है कोंडा गांव, कहाँ आना है? कोंडा गांव से ऊपर चले जाएंगे, फरस गांव आएगा, क्या आएगा? ठीक, फरस गांव को नहीं भूलना है। फरस गांव के आगे आ जाएंगे, ठीक, केशकाल नगर आएगा, क्या आएगा? कोंडा गांव, फरस गांव, केशकाल नगर, ऊपर चले जाएंगे ये आपको मिलेगा केशकाल घाटी, क्या मिलेगा? केशकाल घाटी। नाम सुने हो? याद रखना, ठीक है। इधर हम चले जाएंगे तो हमको मिलेगा माकड़ी, तहसील एक दिन बताया था क्या? ठीक, ऊपर चले जाएंगे आपको मिलेगा बड़े राजपुर, तो इतना जगह पहले आपको याद रखना है, कोंडा गांव, फरस गांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राजपुर। पहले कोंडा गांव, फरस गांव, केशकाल नगर, केशकाल घाटी, माकड़ी और कोंडा गांव, फरस गांव, केशकाल नगर, केशकाल घाटी, माकड़ी और बड़े राजपुर याद रखना है, ठीक है। कोंडा गांव से लेफ्ट आ जाएंगे मिलेगा गढ़ घनोरा, क्या जगह? जगह को याद रखना है, गढ़ घनोरा, ठीक। केशकाल घाटी से नीचे आपको दो जगह एक साथ ट्रेस करना है, छेर बहरा, जगह का नाम, नीचे आपका बुधियार मारी, जगह का नाम, ये दोनों जगह एक साथ बार बार आपके एग्जाम में आ रही है, छेर बहरा और बुधियार मारी। केशकाल घाटी, छेर बहरा और बुधियार मारी एक साथ बोलना है, केशकाल घाटी, छेर बहरा और बुधियार मारी, केशकाल घाटी, छेर बहरा और बुधियार मारी, केशकाल घाटी, छेर बहरा और बुधियार मारी एक साथ याद रखना है, याद रहेगा? केशकाल घाटी, छेर बहरा और ये तीनों आपको एक साथ याद रखना है। जब भी आप केशकाल घाटी बोलोगे फिर छेर बहरा और बुधियार मारी आपको याद रखना है। नीचे आ जाएंगे आपको जगह मिलेगा भोंगापाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह, भोंगापाल को नहीं भूलना है, अभी जस्ट मंडी निरीक्षक में डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। कौन सा जगह? भोंगापाल आपको याद रखना है, ठीक है। जब आप जाओगे नारायणपुर और मिलेगा आपको इधर कोंडा गांव, तो यहाँ दोनों बाउंड्री पर एक माउंटेन मिलेगा, पहाड़ी, ठीक है। लेफ्ट वाला जो नारायणपुर में है उसको बोलते हैं छोटे डोंगर पहाड़ी, क्या बोलते हैं? और इस साइड जो आपका कौन से जिले में कोंडा गांव, उसको बोलेंगे बड़े डोंगर, याद रखना, छोटे डोंगर और तभी आपको कोंडा गांव में क्या याद रखना है, बड़े डोंगर याद रखना है, ठीक है। नीचे चले जाएंगे आलोर पहाड़ी मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा कि आलोर पहाड़ी कौन से जिले में, कौन से जिले में, तुरंत आपके दिमाग में कोंडा गांव आना चाहिए, ठीक। आलोर पहाड़ी, आलोर माउंटेन याद रखना है। और यही एक आपको फेमस मंदिर लिंगेश्वरी माता मंदिर याद रखना है, कौन सा? आपके एग्जाम में आएगा ये, ठीक, बनेगा, ठीक है। इतना जगह पहले याद रखना है, कोंडा गांव, परस गांव, केशकाल नगर, केशकाल घाटी, माकड़ी और बड़े राजपुर, ठीक है। जैसे ही केशकाल घाटी आएगा नीचे आपको छेर बहरा और बुधियार मारी, केशकाल घाटी, छेर बहरा और बुधियार मारी, नीचे आ जाएंगे भोंगापाल, ठीक है। यहाँ आपको बड़े डोंगर, लेफ्ट में आपको छोटे डोंगर, नीचे आपको मिलेगा आलोर पहाड़ी, कौन सा? आलोर पहाड़ी और लिंगेश्वरी माता का मंदिर, आलोर पहाड़ी और लिंगेश्वरी माता, याद रखना है, याद रहेगा? याद रहेगा जी। ये कुछ जगह ऐसे हैं जो छोटे छोटे गांव आसपास फैले हैं, लेकिन उसको एक साथ हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोरकोटी, जगह का नाम याद रखना, पूछा जाएगा इसको आपके एग्जाम में, सारे नए नए जगह जो पहले पूछा नहीं गया है वो पीएससी पूछेगा, ठीक है। अभी ये सब करंट के मुद्दे हैं, सब कोरकोटी आपके एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा ही,
आज नहीं तो कल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोरकोटी से प्रश्न आएगा, अभी मुद्दे में चल रहा है ये, ठीक है। कोरकोटी के बाद आ जाओगे अड़ेंगा या अड़ेगा करके भी बोलेंगे, तो भी यही है अड़ेंगा। कोरकोटी के बाद अड़ेंगा, फिर आ जाएंगे कोपाबेड़ा। कोरकोटी अड़ेंगा कोपाबेड़ा, नीचे आ जाओगे माझिनगढ़, जगह का नाम। नीचे आ जाओगे बोरगांव, जगह का नाम। और नीचे आ जाएंगे सल्फीपदर। सल्फीपदर इतना आपको जगह याद रखना है, कोरकोटी अड़ेंगा कोपाबेड़ा माझिनगढ़ और बोरगांव और सल्फीपदर। कोरकोटी अड़ेंगा कोपाबेड़ा माझिनगढ़ बोरगांव और सल्फीपदर। कोरकोटी अड़ेंगा कोपाबेड़ा माझिनगढ़ बोरगांव और सल्फीपदर आपको याद रखना है। याद रहेगा जी? याद रखना है, ठीक है। इधर से आपका मुंगेर पर्वत कालाहंडी से कौन सा नदी निकल रहा है, ठीक है। इधर आपका मुंगेर पर्वत कालाहंडी जिला राज्य उड़ीसा से कौन सा नदी निकल रहा है, ठीक है। ये आपका आ रहा है बस्तर, फिर आ रहा है दंतेवाड़ा, फिर इधर जा रहा है। याद आ रहा है? याद आ रहा है जी? यस सर। क्या नदी है? लंबाई कितना है कुल? कुल लंबाई कितना है छत्तीसगढ़ में? कौन सा वाटरफॉल? चित्रकूट वाटरफॉल है। इस पे याद आ रहा है? कौन सा प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा? बोधघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना कल देखे थे। ऊपर एक कोसार टेढ़ा और नीचे आपका एक मटनार प्रोजेक्ट भी देखे थे कल, याद आ रहा है। माकड़ी से आपको जब नदी पढ़ाया था तो बताया था माकड़ी से आपका एक नदी आएगा, कौन सा? नारंगी नदी आपको बताया था। कोंडागांव शहर कौन से नदी किनारे दसों बार पूछ चुका है, कौन से नदी किनारे? तो नारंगी नदी ऑप्शन लेना है, ठीक। पहले भी बता चुका हूं कोंडागांव शहर कौन से नदी किनारे, ये गढ़ घनोरा से नदी निकलेगा और आकर के फिर ये किस में मिलेगा, कौन सा नदी? याद आ रहा है? यस सर। सब नदी आपको पहले बता चुका हूं। बोर्डिंग नदी याद रखना है, कौन सा? ठीक, दो नदी और अलग से बता रहा हूं, उसको याद रखना। बस आपको याद रखना है कि छोटी छोटी नदियां आपका कोंडा गांव में बहेगा। एक लमुरा नदी, कौन सा? और एक लसुरा नदी, कौन सा? ये दो नदी और याद रखना है, लमुरा और कौन से जिले में बहता है पूछे जाएगा तो कोंडागांव याद रखना है, ठीक है। तहसील कितना? कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राज। कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राजपुर। कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राजपुर, ठीक है। इतना जगह आपको याद रखना है, कहाँ? कोंडागांव में। बनेगा? बन जाएगा ना? याद हो रहा है? चले आगे, पहले बता दो फिर बनाना आराम से, ठीक है। देखते चलो, कोंडागांव पूरा याद हो जाना चाहिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। कोंडागांव मन में आ रहा है? वापस एक बार, कोंडागांव जिला कब? तो 2000 मातृ जिला, क्योंकि बस्तर से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है बस्तर से? 2012 में। तहसील कितना? कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी, बड़े राजपुर। कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राजपुर आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद खनिज की बात करते हैं, ठीक। कोंडागांव फरसगांव में मिलेगा ग्रेनाइट, क्या मिलेगा? कोंडागांव फरसगांव में, कोंडागांव फरसगांव में, कोंडागांव फरसगांव में, केशकाल घाटी के साथ साथ छेर बहरा बुधियारमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केशकाल घाटी छेर बहरा बुधियारमारी में बॉक्साइड आपको याद रखना है, ठीक है। केशकाल घाटी छेर बहरा बुधियारमारी में बॉक्साइड, और बड़े डोंगर में मिलेगा लोहा, बड़े डोंगर में लोहा, आयरन माइंस,
बड़े डोंगर छोटे डोंगर दोनों में लोहा मिलेगा। कोंडागांव फरसगांव में, कोंडागांव फरसगांव में ग्रेनाइट, कोंडागांव फरसगांव में ग्रेनाइट, कोंडागांव फरसगांव में केशकाल घाटी छेर बारा बुधियार मारी में बॉक्साइट। जगह याद करिए, बॉक्साइट कहाँ? छेर बारा और बुधियार मारी, जगह आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आ गया? आपको पूछा जाएगा ऐसे कि इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जहां बॉक्साइट नहीं पाया जाता। जब पाया जाता है पूछता है वो तो इजी हो जाता है, जब नहीं पाया जाता पूछता है तब आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तब आपको एग्जैक्ट वो जगह आपको पता होना चाहिए जहां जहां पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो आपको जगह याद होना चाहिए मेन। केशकाल घाटी छेर बारा बुधियार मारी में बॉक्साइट, केशकाल घाटी छेर बारा बुधियार मारी में बॉक्साइट। बस्तर में कहां कहां बॉक्साइट? आसना तारापुर पुदार वही गायब हो गया एक दिन में। कहां से उसको दोबारा आप लोग बस्तर को पढ़ोगे नहीं आज के बाद, क्योंकि पढ़ डाले हो। वैसे करोगे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, अभी बता देता हूँ। समझ में आ रहा है ना? आपको पढ़ना कैसे है ये भी बता देता हूँ। कल सबसे पहले मैं क्या पढ़ाया? सुकमा पढ़ाया। फिर क्या पढ़ाया? बस्तर को भूल जाना, पहले सुकमा पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? आज क्या पढ़ा रहा हूँ? कोंडागांव बाद में। पहले आज जा करके क्या पढ़ना है? फिर कहाना है? फिर कहाना है? फिर आना है कोंडागांव। जाग दिन भर कोंडागांव पढ़ रहे हो, इधर को भूल जा रहे हो, क्या मतलब? आज मान लो आपने 4 घंटा इसको दे दिया बस्तर को याद करने में। समझ में आ रहा है ना? कल आ करके आप कोंडागांव में पूछा, कोंडागांव सब याद है, बस्तर को भूल गए, तो ये 4 घंटा आपका कहाँ गया? वेस्ट हो गया। तो अपने आप के मेहनत को यदि आपको खराब करना है तो आप ऐसा करो कि दोबारा पढ़ो मत उसको। लेकिन अगर पुराना आपका मेहनत, आपको लगता है कि बहुत मेहनत किया हूँ मैं और उस मेहनत को आगे जारी रखना चाहिए या उसका कोई महत्व है, तो आपको दोबारा उसको, आज हो सकता है सुकमा को पढ़ने में 1 घंटा लग रहा हो सकता है बस्तर को पढ़ने में 2 घंटा लग रहा हो, लेकिन आज से 1 हफ्ता बाद में उसको 10 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन कब? जब उसको रोज पढ़ोगे तब। तो आज जाएंगे तो कोंडागांव बाद में, पहले क्या पढ़ेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? फिर आना है कोंडागांव में। फिर मैं मान लो कांकेर पढ़ा दिया, तो पहले सुकमा, फिर बस्तर, फिर कोंडागांव, फिर कहाना है कांकेर। एक नज़र उसको देखना ही है। नदी वाला पढ़ डाले, पढ़ डाले उसको, दोबारा खोल के देखे उसको, कहाँ देखोगे उसको? अपने क्या जाता है कि नहीं? कुछ भी ऐसा करोगे थोड़ी होगा जी, उसको दोबारा पढ़ करके आना है। समझ में आ रहा है? नदी वाला पूरा चैप्टर याद हो जाना चाहिए। ठीक, तो आज जाएंगे तो पूरा पहले सुख, पहले नदी वाला पढ़िए, फिर आपको आना है सुकमा, फिर आना है बस्तर, फिर आना है कोंडागांव। रोज उस सिस्टम को फॉलो करिए। एक नज़र पुराना आपको जो पढ़े हो उसको एक नज़र देखना ही है। पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है रिविज़न। समझ में आ रहा है? सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है। RRR मूवी देखे हो? वो वाला मूवी नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी चीज़ को आपको रीड करना है। जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ोगे नहीं तब तक, और पढ़ने के साथ साथ आप कोशिश करिए खुद समझने का। मैं आपको समझा रहा हूँ तो बात की बात है। जब भी आप पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, कुछ भी पढ़ें कि क्या लिखा है उसमें, अगला क्या बोलना चाह रहा है, उसको लिखने के पहले कुछ तो मोटिव होगा उसका, है ना? बुक अगर लिखा है किसी टॉपिक के बारे में तो लिखा क्यों है उसको, कोशिश करिए खुद समझने का। जिस दिन से आप खुद में समझ पैदा कर लेंगे उस दिन आपका जीवन बन जाएगा, समझ लो। रीड के बाद ये आप चीज़ बुक को देख करके करेंगे। जैसे मैंने आपको कोंडागांव पढ़ा दिया, आज कोंडागांव जा करके उसको देखना है, पढ़ना है उसको, फिर उसको रिवाइज करना है। रिविज़न कैसे करोगे? तो वापस बुक देख करके रिविज़न करना है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले क्या पढ़ना है, सुकमा पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है, बस्तर, फिर कोंडागांव। तो ये हो गया आपका क्या? रिविज़न। पहले हमने कोंडागांव रीड कर लिया, अभी रीड कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको रिविज़न करने बोल रहा हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको रिकॉल करना। ठीक है, घर पे आप रहें या यहाँ कोचिंग में आए, जिससे भी मिले आप, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आईने के सामने खड़े होकर के जो भी आपने पढ़ा है उसको बोलिए आप, या सोने से पहले एक बार जो 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 चीज़ें आपने पढ़ा है एक बार आपको दिमाग में वापस रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं। आज मैं अगर कोंडागांव पढ़ा दे रहा हूँ तो आँख बंद करके कोंडागांव यहाँ यहाँ ये सर, हाँ, अगर सारा चीज़ याद आ रहा है मतलब आपका याददाश्त ठीक है। और यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको अपने याददाश्त में काम करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? वो धीरे धीरे होगा, लेकिन लेकिन वो सोचोगे तब, रिकॉल करोगे। अगर ये तीनों चीज़ें आप प्रॉपर वे में कर रहे हो, भगवान भी आके आपको रोक नहीं सकता नौकरी लगाने से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रीड करते रहते हैं, ये वाला चीज़ को कम करते हैं, इसको करते चाहिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी है, हम लोग जीवन भर यही करते रह जाते हैं, इससे कभी कुछ नहीं होने वाला। इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये, और इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये। भले कम पढ़िए, लेकिन इतने अच्छे से पढ़िए, उसी उसी चीज़ को बार बार। 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक बुक को इतना पढ़ना फट जाना चाहिए। आप लोग का बुक को देखता हूँ, उसको छुआ नहीं रहता आदमी, और नया बुक देख के समझ में आ जाता है आदमी उसको पढ़ा नहीं है। बुक फट जाना चाहिए, इतना महीना 2 महीना फट जाना चाहिए, इतना पढ़ डालो उसको, पूरा भर डालो उसको, समझ में आ रहा है ना? उसको रिवाइज बार 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 पढ़िए उसको, बार बार पढ़ना। और जो मिल गया आपको, घर में अगर छोटा भाई है तो उसको सुना दे, नहीं सुन रहे जबरदस्ती पकड़ के सुना देना है। मम्मी है खाना बना रहे, उसको पकड़ के सुना, आज क्या क्या पढ़े हम लोग इस टाइप। जितना आप बोलेंगे, जितना रिकॉल करेंगे, आपको उतना लंबे समय तक चीज़ें याद होगी। नहीं कोई मिल रहा है, आईना के सामने खड़े हो जाओ, उससे आपका पर्सनैलिटी भी सुधरेगा थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी? तो ये तीन चीज़ आपको करना है, रीड करना है, रिविज़न करना है, और रिकॉल करते रहें। यही सक्सेस का मूल मंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक, समझ में आ रहा है? तो तहसील कितना? 5। गोंडा गांव, परस गांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राजपुर। कितना तहसील? 5। ठीक है, खनिज कौन कौन सा? कोंडा गांव, परस गांव में, केशकाल घाटी, छेरभरा, बुधियारमारी में, और बड़े डूंगर में। लोहा याद रखना। ठीक, ठीक है। अब इसकी खासियत देख लेते हैं, देखते चलो। सबसे पहले कोंडा गांव, कोंडा गांव दिख रहा है? कोंडा गांव के बारे में क्या क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। कोंडा गांव जो है उसको, एक तो तहसील है, एक तो जिला मुख्यालय है। ठीक है, कलेक्टर साहब कहाँ बैठेंगे कोंडा गांव में? कोंडा गांव को शिल्प ग्राम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? याद रखना, कोंडा गांव छत्तीसगढ़ में एक शिल्प ग्राम के नाम से फेमस है। ठीक, शिल्प ग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विश्व की सबसे प्राचीनतम तकनीक से आज भी यहाँ शिल्पकारी की जा रही है। समझ में आ रहा है? विश्व की सबसे प्राचीनतम तकनीक जो है आपका शिल्पकला, यहाँ का क्या फेमस है? शिल्पकला फेमस है। देखो, कोंडा गांव को क्या बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ का शिल्पकला फेमस है। वो शिल्पकला जो कि विश्व का प्राचीनतम तकनीक है। आज तो आप लोग देखते होंगे कि फट से कुछ भी मशीन में डाले, आपका सारा चीज़ बन करके तैयार हो गया। उस तकनीक से नहीं बना रहे हैं, ये प्राचीनतम तकनीक है जो आज भी बस्तर के लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और उस तकनीक को हम बोलते हैं घड़वा शिल्पकला। कौन सा? कोंडा गांव को क्या बोला जाता है? तो शिल्पग्राम बोलते हैं, क्योंकि वहां का शिल्पकला फेमस है। कौन सा शिल्पकला फेमस है? तो घड़वा शिल्पकला फेमस है। और इस घड़वा शिल्पकला को फेमस करने वाले जयदेव बघेल को याद रखना है। क्या नाम? उस जयदेव बघेल की ये जन्म स्थली है आपका। कौन सा? कोंडा गांव। ठीक है, अब मान करके चलो मेरे को एक गुड़िया बनाना है। ठीक है, और घड़वा शिल्पकला कैसे होता है वो बता रहा हूँ। मान लो आप, मेरे को एक गुड़िया बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, अब वो मेरे को मेटल से बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ले लूँगा मिट्टी। ठीक है, मिट्टी को अब हार्डनेस करने के लिए उसमें थोड़ा सा भूसा डाल देते हैं, जो धान से निकलता है भूसी, वो डाल करके मेल्ट कर दिया बढ़िया से, और उसको एक गुड़िया इस तरीके का आकृति में बना लिया। ठीक है, उसमें उसका मुंडी बना लिया अपन इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसी समझाने के लिए बता रहा हूँ जी आपको। ठीक है, ये इस तरीके से हमने बना लिया। ठीक, ये इस तरीके से बन गया। अभी इसका आँख, नाक, मुँह, ये सारा चीज़ कुछ नहीं बना है, ना तो इसको श्रृंगार किए हैं, ना तो कुछ नहीं किए। अभी सिर्फ इसका एक स्ट्रक्चर बना है, हाथ पैर बना है। ठीक है, बना लिए। बनाने के बाद क्या कर दिया, इसको सुखा लिया अपन। सूखने से यह हार्ड हो गया, एक दिन का समय इसमें लग गया। ठीक, उसके बाद अब क्या करेंगे, ये जो अब मेरे को इसमें आँख बनाना है, इसका बाल बनाना है, इसका श्रृंगार करना है, इसको नथ पहनाना है, बाली पहनाना है, सारा चीज़। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए क्या किया जाता है, मोम का धागा तैयार करते हैं।
मोम का धागा, ठीक है, मोम का वो लोग धागा तैयार करते हैं, उसको देखिएगा यूट्यूब में है, उसको एक बार घड़वा शिल्प कला डालोगे तो दिख जाएगा। उस धागे से पूरा वो लोग एक एक चीज़ को बनाएंगे, आँख से लेकर के नाक से लेकर हर एक चीज़ वहाँ डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। डिज़ाइन करने के बाद उसको सुखाएंगे, वापस एक दो दिन उसको रखा जाएगा, मोम खड़ा हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, उस पर एक एकदम पतला सा वापस से मिट्टी का एक वापस से लेप लगाएंगे। इस बार क्या करेंगे, ये जो जैसे कि ये मोम का परत लग गया, उसके बाद फिर से मिट्टी लगा रहे हैं, तो इस दोनों के बीच, ये वाला मिट्टी और ये वाला मिट्टी के बीच में गैप रखते हैं। गैप इसलिए क्योंकि वहाँ से हम मेटल डाल सकें, ठीक है। उसके बाद उस पर मेटल डाला जाता है, तो मेटल क्या होता है, ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ मोम है मोम को पिघलाते जाता है और वहाँ 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 जा करके वो आपका मेटल इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद उसको लगभग 1700 डिग्री 1400 से 1700 डिग्री सेल्सियस पे भट्टी रहता है, उस पर वो लोग उसको गर्म करते हैं, पकाते हैं कहा जा सकता है, और पकाने के बाद फिर उसको एक दो दिन फिर रखा जाता है ठंडा करने, लगभग एक हफ्ते का पूरा प्रोसेस चलता है। उसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट, फिर जो पकने के बाद ऊपर का लेयर को धीरे 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 करके तोड़ेंगे, नीचे का तोड़ते हैं, और बाद में उसका हाथ पैर एकदम पतला सा, आप लोग ये राजोत्सव वगैरह में देखे होंगे, ठीक है, एक लकड़ी मेटल रहता है उसमें वो बच्ची है वो सिंग वाला ये सारा चीज़ बना, वो उसी तकनीक से बना। और विश्व में अभी यहाँ तो आप लोग यहाँ भी आप लोग खरीद नहीं पाते होंगे, इतना महंगा रहता है, ठीक है, विश्व में तो और 10 गुने रेट में बिकता है वो बाहर विदेशों में, समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट होता है उसका बहुत ज़्यादा महंगा। तो वो घड़वा शिल्पकला आपको याद रखना है, कहाँ का फेमस है, तो कुंडागढ़, ठीक है, यूट्यूब में आपको देख लेना, घड़वा शिल्पकला डालोगे तो मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो कोंडागांव में क्या फेमस, कोंडागांव को क्या बोला जाता है, तो शिल्पग्राम। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का शिल्पकला फेमस है। कौन सा शिल्पकला फेमस है और उसको फेमस करने वाला कौन, जयदेव बघेल को याद रखना है, याद रहेगा। कोंडागांव में आप जाएंगे तो आपको एक तो ये शिल्पकला के नाम से फेमस, कोंडागांव में आप जाएंगे तो स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी राज्य खेल अकादमी यहाँ बनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर डिवीज़न के जो बच्चे हैं वो तीरंदाजी से लेकर के एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या बहुत अच्छा कर रहे हैं, तब उनको नेशनल लेवल की सुविधाएं देने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए नेशनल लेवल के जो कोच हैं वो आएंगे और वो आकर के उनको कोचिंग देंगे, ठीक है। तो आकर के कहाँ देंगे, तो राज्य खेल अकादमी बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दो जगह राज्य खेल अकादमी अभी एग्जाम में पूछा है, राज्य खेल अकादमी एक कोंडागांव और दूसरा रायपुर में बन कर तैयार हो रहा है। स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ बन रहा है, तो दो जगह, एक तो कोंडागांव और दूसरा रायपुर, कोंडागांव और रायपुर याद रखना है, कोंडागांव और राज्य खेल अकादमी, ठीक है, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट का नाम रहेगा माँ दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, मक्का प्रसंस्करण केंद्र भी बोला जाता है, माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण केंद्र या संस्थान यहाँ बनाया जा रहा है, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लगाया जा रहा है, कहाँ, कोंडागांव, आपको याद रखना, ठीक है। कोंडागांव तहसील है, जिला मुख्यालय है, खनिज कौन सा मिल रहा है, ग्रेनाइट, शिल्पग्राम बोलते हैं क्योंकि यहाँ का शिल्पकला फेमस है, कौन सा शिल्पकला, तो घड़वा शिल्पकला फेमस है, फेमस करने वाला कौन, तो जयदेव बघेल को नहीं भूलना है। घड़वा शिल्पकला और झारा शिल्पकला, दो शिल्पकला छत्तीसगढ़ में फेमस है, घड़वा और झारा। जो आप जाएंगे तो रायगढ़ वाला क्षेत्र में आपको झारा मिलेगा और बस्तर वाले क्षेत्र में आपको घड़वा मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं जयदेव बघेल का नाम झारा शिल्पकला में भी आएगा, दोनों करते थे लेकिन मुख्य रूप से किसको करते थे, घड़वा शिल्पकला। राज्य खेल अकादमी यहाँ मिलेगा और स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी, राज्य खेल अकादमी और मक्का प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ मिलेगा आपको, कहाँ, कोंडागांव। 10 बार एग्जाम में पूछा है कि कोंडागांव किस नदी किनारे, तो नारंगी नदी, आपको याद रखना है, बनेगा, कोंडागांव से क्वेश्चन आएगा तो यही पूछेगा आपको, याद रहेगा। उसके बाद आ जाएंगे फरसगांव। छत्तीसगढ़ में दो ही ऐसा जगह है, नारायणपुर और फरसगांव, नारायणपुर और जहाँ का मड़ई फेमस है, क्या फेमस, मड़ई सुने हो, क्या होता है मड़ई,
गांव में लगता है उसको मड़े बोल दोगे। सुन लो इधर, आपके काम का है, आप लोग जानता कोई नहीं है, लेकिन अब मैं बता देता हूँ आपको, मड़ई और मेले में अंतर है, समझ में आ रहा है? क्या अंतर है ये आप समझिए, आप लोग को दोनों एक लगता है, ठीक है? मड़ई अलग चीज़ है और मेला अलग चीज़ है, ठीक? समझना है पहले। मड़ई जो है उसका मूल उद्देश्य, जैसे कि मेला आप जान रहे हैं, मेला जहाँ भी होगा उसका मेन मोटिव जो है वो पैसा कमाना है, पैसा, ठीक है? आर्थिक स्थिति के सुधार या पैसा कमाने के लिए कहा जाता है मेला लगाया जाए। अभी जाओगे तो कई जगह मेला लगा होगा, ठीक है? समझ में आ रहा? झूला वूला लगा है, अपना जो भी खाने पीने का सामान सब लगा करके रखते हैं, वो मेला, उसका मूल उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, रेवेन्यू जनरेट करना, उसका मूल मोटिव। लेकिन मड़ई जो है, मड़ई का मूल उद्देश्य जो रहेगा वो देवी या देवता, जो भी स्थानीय आदिवासी लोग हैं, ठीक है? स्थानीय आदिवासी कहाँ के? फरस गांव के और नारायणपुर के, फरस गांव और वहाँ के आदिवासी लोग अपने जो मूल देवी देवता है उसको खुश करने के लिए या प्रसन्न करने के लिए ये इस मड़ई का आयोजन करते हैं। इसका मूल उद्देश्य देवी आराधना है, ना कि पैसा कमाना, समझ में आ रहा है? मेले का मूल उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, मेले का मूल उद्देश्य पैसा कमाना। आप जाएंगे तो ये मेला वो मेला देखे होंगे 50 जगह, ठीक है? वहाँ आपको भगवान का पूजा करते नहीं मिलेगा आदमी, लेकिन आप जब मड़ई करने जाएंगे तो बकायदा एक वो देखे होंगे मड़ई के लिए बड़ा सा एक लकड़ी क्या है ना, ठीक है? उसको भी वो एक्चुअली भगवान का ही रूप मानते हैं उसको, ठीक? तो यहाँ क्या होगा, स्थानीय देवी रहेगी, उसकी दिन भर पूजा की जाएगी, उसको खुश करने के लिए भजन कीर्तन नाच गायन सारा चीज होगा, चारों ओर माता जी बैठे रहेंगे, उसके चारों ओर नित्य गान दिन रात, मतलब कम से कम सुबह से अगर शुरू होगा तो पूरा दूसरे दिन सुबह तक चलता है, 24 घंटे चलेगा। मूल उद्देश्य क्या है इसका? न कि पैसा कमाना, पैसा कमाना मूल उद्देश्य नहीं, लेकिन मेले का मूल उद्देश्य क्या रहता है? पैसा कमाना, समझ में आ रहा है? मड़ई और मेले में तो छत्तीसगढ़ में मेला तो बहुत जगह बताऊंगा मैं, लेकिन मड़ई सिर्फ और सिर्फ दो जगह, फरस गांव और नारायणपुर, फरस गांव और नारायणपुर। आप अगर जाएंगे तो गर्मी के समय ये आपको ग्रीष्मकालीन मड़ई का आयोजन देखने को मिलेगा नारायणपुर में, आप जा करके देख सकते हैं, मुर्गा लड़ाई वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा वहाँ, कहाँ? नारायणपुर में, ठीक है? और वहाँ जाएंगे तो आपको देवी के चारों ओर उन लोग अपनी वेशभूषा जो उनका रहता है, स्थानीय आदिवासी लोग वो वेशभूषा पहनकर नित्य गान सारा चीज़ वहाँ करते रहते हैं, बलि बलि सब चलता है इसमें। तो मूल उद्देश्य क्या है इसका? देवी। तो कहाँ कहाँ का आपको मड़ई फेमस है? तो फरस गांव और नारायणपुर, फरस गांव और, दो ही आंसर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में दो ही ऐसे जगह जहाँ का, कहाँ कहाँ का? केशकाल नगर आपका तहसील, फिर आ जाएंगे केशकाल घाटी, ठीक? केशकाल घाटी सबसे पहले तो कौन से जिले में है? कोंडागांव जिला लेना है। कौन से नंबर नेशनल हाईवे पे है? NH 30 लेना है। कितना मोड़ है इस पे? तो 12। कितने मोड़ है? 12 मोड़ है, याद रखना। इस केशकाल घाटी पर आप चलेंगे तो आपको एक मंदिर मिलेगा, तेलीन माता मंदिर। कौन सा? इस तेलीन माता के नाम पर इस घाटी का नाम तेलीन घाटी भी है। क्या बोलते हैं इसको? तेलीन माता का मंदिर। बिना उस मंदिर में रुके कोई आगे जाता नहीं है, देखे होगे, गए होगे तो। तेलीन माता का मंदिर, इस घाटी पर आप चलेंगे तो आपको बड़े बड़े आपको वृक्ष दिखाई देंगे, ठीक है? पूरा वन, घना जंगल है ये, पूरा घना जंगल आपको मिलेगा। तो ये सारा जो जंगल, जो वन है, वो साल वन है। कौन सा? तो आज के बाद बोलना है केशकाल साल, केशकाल साल, केशकाल साल, याद रखना। केशलु नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, क्या नाम? केशलु, केशलु, केशलु नाम का एक व्यक्ति, बहुत अपने कबीले के साथ रहता था, 20-22 साल का लड़का था वो केशलु, वो अपने कबीले के साथ यहाँ रहता था। एक दिन उसके कबीले के सामने शेर आ गया, समझ में आ गया? तो सब डर करके पीछे हो गया, अकेला खड़ा हो गया वो,
और शेर से लड़ते लड़ते वो मर गया, लेकिन शेर दोबारा उसके कबीले में दोबारा वापस लौट करके नहीं आए। तो उस केसलू नाम के बहादुर व्यक्ति के नाम पर इस घाटी का नाम क्या है? केशकाल घाटी, याद रखना, केसलू के नाम पर याद रहेगा, केसलू को याद रखना। केशकाल घाटी कितना मोड़? कौन सा मंदिर? कौन सा वन? साल वन। केशकाल, क्योंकि मैं आपको इन फ्यूचर सागौन वन भी बताऊंगा, समझ में आ रहा है? तो सागौन कहीं और है, अबूझमाड़ में पढ़ेंगे, नारायणपुर में। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? तो जब आएगा एग्जाम में तो साल वन है कि सागौन है कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए आप ट्रिक से याद रख लीजिए, केशकाल साल, केशकाल साल याद रखना है, केशकाल साल बनेगा, याद रखना है। यहाँ आप जाएंगे तो बहुत सारा आपको एक से एक फूल देखने को मिलेगा, इसलिए इसको फूलों की घाटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी भी इसको बोला जाता है, समझ में आ रहा है? केशकाल घाटी के कारण, मान लो केशकाल घाटी नहीं होता तो क्या होता? केशकाल घाटी नहीं होता तो क्या होता बताए, देख लो क्या होता। केशकाल घाटी यहाँ पास है, दिख रहा है ना? केशकाल घाटी नहीं होता तो आपका ये जो सिहावा पहाड़ी से निकलने वाला ये जो महानदी है ना, महानदी है वो इंद्रावती नदी की सहायक हो जाता, और जो छत्तीसगढ़ की गंगा है वो छत्तीसगढ़ की गंगा नहीं रहती, और धान का कटोरा में धान नहीं रहता, समझ में आ रहा है? तो यही केशकाल घाटी है जिसके कारण ये क्या ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है, ये ऊपरी हिस्सा। केशकाल घाटी में आप जब जाएंगे ना, यहाँ से आपको 12 बार चढ़ना पड़ेगा, आप चढ़ करके ऊपर जाओगे और वापस जब आओगे तो उतरोगे। तो जब चढ़ोगे तो ये जब चढ़ना शुरू करोगे तो कांकेर से चढ़ना शुरू करोगे, और जब चढ़ जाओगे तो आपका कोंडागांव जिला शुरू हो जाता है, समझ में आ रहा है? 12 बार चढ़ोगे कोंडागांव आ जाएगा आपका, कोंडागांव ऊपर हिस्सा है और ये कांकेर पूरा नीचे हिस्सा। जब बारिश अभी जाओ कांकेर डूब गया होगा आधा, अभी तो रास्ता बना है वहाँ, रास्ता भी 10 फीट ऊपर रास्ता बना है, जाके देखना अभी, कांकेर पूरा डूब जाता है। उसका कारण यह है कि पूरा पूरा पानी आगे इधर नीचे आ जाता है पहाड़ से, कांकेर डूब जाता है, समझ? अभी जाग देखना, अभी तो खैर रास्ता बना दिया, पहले कांकेर वाला कांकेर डूब जाता था ना तो ये पूरा NH-30 बंद हो जाता था। अभी 10-12-15 फीट ऊपर घर के बराबर बराबर रास्ता बनाया है, कभी इस रास्ते में जाओगे देखना थोड़ा सा, समझ में आ रहा है? तो ये इसी कारण क्या होता है, ये महानदी जो है ना अपना डायरेक्शन, ये ऊपर हुए ढलान इधर हो जाता है, इसी का कारण ये अपना डायरेक्शन क्या कर देती है, चेंज करती है, ठीक है? अब क्या हो रहा है देखो, केशकाल घाटी के कारण महानदी ऊपर की ओर जा रहा है और ये वाला नारंगी नदी और ये सब कहाँ आ रहा है? तो दो जलों को विभाजित कर रही है, डिवाइड कर रही है, इसीलिए इसको जल विभाजक पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, बिना केशकाल घाटी क्रॉस किए आप इस एरिया में नहीं आ सकते, समझ में आ रहा है? बिना केशकाल घाटी क्रॉस किए आप इस क्षेत्र में आ ही नहीं सकते, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, इसीलिए इसको दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार या एंट्रेंस गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। तो इतना सारा इसका नाम है केशकाल घाटी का, केशकाल घाटी, तेलीन घाटी, फूलों की घाटी, जल विभाजक पर्वत और दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार भी बोलता है। इतना सारा सब नाम है किसका? कितना मोड़? कौन सा मंदिर? कौन सा वन? कौन सा साल वन? केशकाल साल बोलना है, केशकाल साल, साल केशकाल, और कौन सा मंदिर? कौन सा खनिज? बॉक्साइट, ग्रेनाइट बोल रही है। उधर क्या लिखा है उसको दिमाग में रखो, उसको क्या बॉक्साइट याद रखना है। केशकाल घाटी छेरबारा बुधियारमारी में क्या बॉक्साइट पूछेगा एग्जाम में, इसको केशकाल घाटी के लिए मेंस में लिखने आता है सीधा। और यहां आप जाओगे तो जब ऊपर में जाओगे तो आपको टाटामारी हिल स्टेशन मिलेगा। टाटामारी हिल स्टेशन कहाँ? अरे केशकाल घाटी में, कोंडागांव में नहीं, कोंडागांव में तो मिलेगा ही,
पूछेगा केशकाल घाटी में हिल स्टेशन कौन सा है तो काटामारी याद रखना है। क्या क्या नाम? केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, फूलों की घाटी, जल विभाजक पर्वत और दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार। कौन सा वन? साल वन। कौन सा खनिज? बॉक्साइट। और कौन सा मंदिर? कितना मोड़? कौन सा है हाईवे? और कौन सा जिला? और कौन सा हिल स्टेशन? काटामारी याद रखना। केशकाल घाटी के बारे में आएगा एग्जाम में, बनेगा। आज के बाद भूलना नहीं है। कौन सा खनिज? कौन सा? बॉक्साइड याद रखना है, बनेगा। याद रखना है उसको, क्या समझ गया? भोंगापाल याद रखना है। क्या जगह? छत्तीसगढ़ में दो ही ऐसे जगह, दो फेमस जगह जहां बौद्ध बुद्धिस्म मिलेगा आपको, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल। एक तो सिरपुर और दूसरा आपका भोंगापाल। आपको मैं जैन धर्म बताया था, कहां? भाटागुड़ा बस्तर। 1 2 16 23 24 याद किए थे? 1 2 16 23 24 वो आपका जैन वाला था, ठीक है। बौद्ध में आपका दो जगह, सिरपुर और बौद्ध विहार मिलेगा यहां भी। हम लोग मंदिर बोल देते हैं, उन लोग विहार बोल देते हैं, ठीक। बौद्ध विहार कहां? तो भोंगापाल याद रखना है, एग्जाम में आ चुका है। भोंगापाल कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? कोंडागांव। याद रखना है भोंगा, ठीक याद रहेगा जी। याद रखना है गढ़घनोरा, ईंटों का टीला के नाम से फेमस है ये। ईंटों का टीला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ईंटों का टीला। समझ में आ रहा है? गोबराहिन का शिव मंदिर है यहाँ, क्या है? गोबराहिन शिव मंदिर मिलेगा। गोबराहिन क्या? अरे गोबराहिन नहीं समझ रहे हो? गोबराहिन का शिव मंदिर या गोबराहिन शिव मंदिर आपको मिलेगा, ठीक। क्या बोला जाता है इसको? ईंटों का टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरसिंह मंदिर भी है यहाँ छोटे छोटा, लेकिन मेन आपको गोबराहिन शिव मंदिर पूछेगा। गढ़घनोरा आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में जब कोई व्यक्ति क्या है मर गया तो गड्ढा खोद दिया, गड्ढा खोद के अब दफना दिया उसको। दफनाने के बाद उसके चारों ओर पत्थर से ऐसा घेरा बना देते थे, बड़ा बड़ा पत्थर रख देते थे चारों से। अब इसका क्या कारण था ये पता नहीं चल पाया है, समझ में आया? हो सकता है कि वो लोग सोचते होंगे कि आत्मा वगैरह से रिलेटेड रहा होगा या कुछ बंधन वगैरह करते रहोगे, लेकिन जान नहीं पाए हैं इसको, ठीक। इस पत्थर को क्यों ऐसा रखा गया है? तो पहली बार प्रोफेसर कामले और मिश्र को याद रख लें। क्या नाम? प्रोफेसर कामले और मिश्र ने जब इसकी खुदाई की तो देखा यार हर एक पास, ठीक है, इस तरीके का जो डिजाइन बना है उसके अंदर क्या है? कोई ना कोई आदमी का बॉडी है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, इसको आप संरक्षित करके रखा जाए, ठीक। और इसको नाम दिया है, पत्थर से बना है इसलिए इसको बोला गया पाषाण घेरे बोला गया। इंग्लिश में भी आपको पाषाण घेरे लिखा हुआ आएगा, स्टोन सर्कल नहीं आएगा। और इंग्लिश में स्टोन सर्कल मत कर देना उसको, ठीक है। तो पाषाण घेरे आपको कहाँ मिलेंगे? तो गढ़घनोरा। और ये जो पाषाण घेरे की खोज कौन किया? प्रोफेसर कामले और 500 से ज्यादा ऐसे पाषाण घेरे आपको मिलेंगे यहाँ। कहाँ? गढ़घनोरा। ईंटों का टीला बोला जाता है, गोबराहिन का शिव मंदिर है और 500 से अधिक पाषाण घेरे आपको मिलेंगे कहाँ? बालोद जब जाओगे जिला, वहां आपको मिलेगा करही भदर। कौन सा जगह? करही भदर, चिरचारी और सोरर। करही भदर, चिरचारी और सोरर, वहां भी कुछ मात्रा में पाषाण घेरे हैं, कहीं एक है, कहीं दो है, कहीं तीन है। लेकिन अगर आपको स्पेशली ये बोला गया कि 500 से अधिक पाषाण घेरे कहाँ है तो क्या आंसर है? गढ़घनोरा। बोर्डिंग नदी का उद्गम कहाँ से? गढ़घनोरा। गढ़घनोरा कौन से जिले में? तो कोंडागांव। गोबराहिन का शिव मंदिर कहाँ? तो गढ़घनोरा। 500 से अधिक
खोजकर्ता कौन? प्रोफेसर कामले और मिश्र। प्रोफेसर कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र पूरा नाम है। कामले और मिश्र बस याद रखो चलेगा, रमेंद्रनाथ याद रहेगा। फिर ये आलोर की पहाड़ी में आपको लिंगेश्वरी माता का मंदिर मिलेगा। आलोर की पहाड़ी में लिंगेश्वरी माता का मंदिर साल में एक दिन खुलेगा, बस एक दिन सिर्फ और सिर्फ, बाकी दिन महाराज मिल दिख जाते हैं। साल में एक दिन खुलता है और ऐसी मान्यता है, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, ऐसी मान्यता है जिसको, जो बच्चे वगैरह जिसके नहीं होते ना, पुत्र या पुत्री जिसके नहीं होते, उन लोग यहाँ जा करके यदि मनोकामना करते हैं तो उनको पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया जाता है। तो लिंगेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है? तो आलोर पहाड़ी, जिला कोंडागांव। जब भी ये खुलेगा ना, खुलने वाला रहता है तो पेपर में आता है देखना, आलोर पहाड़ी लिंगेश्वरी माता का, ऐसा सीढ़ी चढ़ करके आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तब ऊपर में आपको लिंगेश्वरी माता मंदिर मिलेगा। याद रहेगा? याद रखना है, ठीक बनेगा जी। माकड़ी तहसील और बड़े राजपुर आपका कोरकोटी याद रखना है। कोरकोटी जिला डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, कोरकोटी कौन से जिले में? कोरकोटी एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल प्लेस है। यहाँ अभी खुदाई के दौरान अभी सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं यहाँ, ठीक है। सोने और चांदी के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो आपको ये पूछा जाएगा, सिक्के नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कोरकोटी पुरातात्विक स्थल है कौन से जिले में? कौन से जिले में? कौन से जिले में? तो कोंडागांव याद रखना, कोरकोटी जिला कोंडागांव। फिर आ जाएंगे अड़ेंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम लोग पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर जब इतिहास, तो पढ़ेंगे नल डायनेस्टी। कौन सा वंश? नल वंश पढ़ेंगे, ठीक। इस नल वंश में आपको एक राजा मिलेगा, वराह राज। क्या नाम? वराह राज, वराह राज, ठीक है। भवदत्त वर्मन। क्या नाम? भवदत्त वर्मन। और एक नाम मिलेगा आपको अर्थपति भट्टारक। क्या नाम? अड़ेंगा से 29 सिक्का मिला है, तीनों का सोने का सिक्का मिला है। नल वंश में तीन ही ऐसे राजा हैं जिन लोग सोने के सिक्के चलाएंगे, वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति, वराहराज का 29 सिक्का, भवदत्त वर्मन का एक सिक्का और अर्थपति भट्टारक का दो, टोटल कितना हो गया? 32 सिक्के आपके मिले हैं। कहां से? अड़ेंगा से। नलवंशी शासकों का सिक्का मिला है सोने का, खुदाई से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अड़ेंगा को पहले भी पूछ चुका है। अड़ेंगा जिला कोंडागांव, नलवंशी शासक, तीन राजा याद रखना है, वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक। वराहराज का 29, भवदत्त वर्मन का एक, अर्थपति भट्टारक का दो, टोटल कितना सिक्का? 32 सोने का सिक्का मिला, याद रखना। याद रहेगा? कोपाबेड़ा में प्राचीन शिव जी का मंदिर, कोपाबेड़ा में शिव मंदिर याद रखना है। कोपाबेड़ा का शिव मंदिर कौन से जिले में? तो कोंडागांव जिला। माझिनगढ़ में माझिनगढ़ देवी माता का मंदिर, माझिनगढ़ देवी माता का मंदिर याद रखना है। बोरगांव में आपको याद रखना है जटायु शिला। क्या है? ऐसा बताया जाता है कि जटायु और प्रभु श्री राम जी की मुलाकात यहीं हुई थी। जटायु कौन था? पक्षी था, ठीक है। तो जटायु और प्रभु श्री राम जी की मुलाकात यहीं हुई थी ऐसा बताया जाता है। बोरगांव याद रखना। क्या मिलेगा यहाँ? जटायु शिला। और लास्ट आपको जगह याद रखना है सेल्फी पर। राज्यपाल कौन है अभी? अनुसुईया उइके। उसके द्वारा, हम जो राज्यपाल है उनके द्वारा इस जगह को गोद लिया गया है। गोद लिया गया मतलब वहाँ जो भी डेवलपमेंट और जो भी काम करेंगे वही कराएंगे, उसी के संरक्षण में होगा, ठीक है। तो सल्फी पदर आपको याद रखना है जिला कोंडागांव, इतना आपको पढ़ना है कोंडागांव जिला, ज़्यादा नहीं है, बनेगा। कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी, बड़े राजपुर तहसील, कोंडागांव, फरसगांव में ग्रेनाइट,
केशकाल घाटी छेरबारा बुधियारबारी में बॉक्साइट बड़े डोंगर में लोहा, ठीक है। कोंडा गांव आपको एक तो तहसील है, जिला मुख्यालय, शिल्प ग्राम कहलाता है क्योंकि शिल्प कला फेमस है यहाँ का, घड़वा शिल्प कला फेमस है, फेमस करने वाला जयदेव वगैरह, ठीक है। राज्य खेल अकादमी प्रस्तावित है, यहाँ बन रहा है अभी, ठीक है, लगभग बन के तैयार हो गया, और माँ दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ मिलेगा, ठीक है। फरस गांव नारायणपुर का क्या फेमस? मड़ई फेमस। फरस गांव नारायणपुर का मड़ई फेमस। केशकाल नगर तहसील, केशकाल घाटी, फूलों की घाटी, तिलिन घाटी, दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार, ठीक है, जल विभाजक पर्वत बोला जाता है, ठीक है, याद रहेगा। केशकाल में कौन सा वन? शालमार। मंदिर कौन सा? तिलिन माता। हिल स्टेशन कौन सा? टाटामारी। बॉक्साइट कहाँ, खनिज कौन सा? तो बॉक्साइट। मोड़ कितने? तो 12। नेशनल हाईवे कौन सा? तो 30। जिला कौन सा? तो भोंगापाल। बौद्ध विहार है, बौद्ध धर्म से संबंधित। गढ़ घनौरा आपको ईंटों का टीला बोलते हैं, गोब्राहीन का शिव मंदिर है, और 500 से अधिक पाषाण घेरे। खोजकर्ता प्रोफेसर कामले और मिश्र को याद रखना, ठीक है। आलोर पहाड़ी में लिंगेश्वरी माता का मंदिर याद रखना। कोरकोटी में आपका सिक्का मिला है खुदाई से। अड़ेंगा में नलवंशी शासक वराहराज, भौदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। वराहराज का 29, भौदत्त वर्मन का 1 और अर्थपति भट्टारक का 2। फिर कोपा बेड़ा में शिव मंदिर, माझीनगढ़ में माझीनगढ़ देवी माता का मंदिर, बोरगांव में जटायु शिला और सल्फीपदर अनुसुईया उइके के द्वारा गोद लिया गया स्थल। लमुरा और लसुरा दो नदी यहाँ बहेगा छोटा छोटा। कोंडा का कौन सा नदी किनारे? तो और ये दोनों नदी कौन सी नदी की सहायक? तो इंद्रावती की सहायक, याद रखना। बनेगा? बनेगा जी, इतना आपको पढ़ना है, बनेगा तो इतना करना है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछो। याद रहेगा? यस सर। तो बना लीजिए, बनाना है तो, बाकी देख लो। हो जाएगा इतना?